बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर आज की वीडियो क्लास नाइन के लिए है जो कि चैप्टर एट पर है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस ये जो ग्राफ्स हैं लीनियर उनकी एप्लीकेशंस भी बतानी है और ठीक है उसमें हम ग्राफ्स बनाना भी सीखेंगे एक्सरसाइज है एट और क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में क्या चीज मौजूद है इस चैप्टर के अलावा भी आप लोगों ने कुछ समझना है कोई एक्सरसाइज और समझनी है जो मुश्किल लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऐड कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वन में क्या है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लान इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइ ओके जो ग्राफ है उसको समझना ना मुश्किल नहीं है बहुत आसान है सिंपली आप अपने ना क्लासरूम की एग्जांपल ले लें लाइक like, आपकी क्लास रूम में जो है वो कितनी रोज हैं ऑलमोस्ट ना टू टू सिक्स रोज हैं ठीक है सिक्स रोज आपकी क्लासरूम में मौजूद है मैं यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक क्लास है ठीक है तो क्लास में फ़र्ज करें कि आपकी ना कितनी रोज हैं यानी कि आपके जो डेस्क हैं या आपकी चेयर्स हैं उनकी कितनी कितनी रोज बनी हुई हैं फर्स्ट रो यहाँ पे तो टीचर की चेयर है ना हम उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे उसको आप स्किप कर दें तो फर्स्ट में हमारे पास है कितनी वन एंड टू यानी कि कितनी रोज बनी हुई है हमारे पास सिक्स रोज हैं और ये मैं चेयर्स की बात कर रही हूँ कि ये चेयर्स हैं ठीक है अच्छा तो ये क्लासरूम है मैंने सारी चेयर्स बना दिए हैं फर्स्ट करें आपको ना आ, कोई कह रहा है कि आप आ, ऐसे स्टूडेंट को उठा कर लाएं जो रो फोर में बैठा हुआ है रो फोर और सीट जो है उसकी फोर है यहाँ फोर सी फोर रो है और थर्ड सीट है यानी कि फोर एंड थ्री की वो बात कर रहा है ना तो हम क्या करेंगे सिंपली क्लासरूम में जाएंगे ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हम जो है क्लास में यहाँ से एंटर हो रहे हैं ना तो हम जो है वो यहाँ से ही कंसिडर करेंगे कि ये वन है टू रो है थ्री रो है फोर फाइव एंड सिक्स तो सिंपल हमने किस पे जाना है फोर रो पे जो फर्स्ट है वो रो को शो करता है और जो सेकंड नंबर है वो उस एलिमेंट को शो कर रहा होता है जो हमें चाहिए होता है तो फोर रो हमने सेलेक्ट कर ली उसमें हमने थ्री यानी कि थर्ड सीट वाले बच्चे को उठा लेना है तो ये हमारे पास इस तरह शो कर रहा है कि ये क्या है एक पॉइंट ऐसा है ये ऑर्डर पेयर में मौजूद है ऑर्डर पेयर कैसे है कि पहला जो है वो रो और सेकंड जो है वो सीट तो ये हमारे पास जो क्लासरूम है उससे आपने एग्जांपल ली कि ये भी हमारे पास क्या जा रही है एक ऑर्डर पेयर में ही जा रही है अब इनको देख लेते हैं इनमें ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स यानी कि एक ही क्वेश्चन में ना उन्होंने फोर पॉइंट्स दे दिए हैं और ये बोला हुआ है कि तो ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा तो क्वाड्रेंट बेसिकली ना फोर होते हैं ठीक है फोर क्वाड्रेंट होते हैं अगर मैं इसी क्लास की बात करूँ ना तो इसमें भी फोर क्वाड्रेंट मौजूद है तो सबसे पहले हम ये पी पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट अच्छा ये जो है ना ये मैं आपको वैसे भी एक ही ग्राफ के ऊपर सारा समझा सकती हूँ लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाए तो यहाँ पे मैं सेपरेट सेपरेट सब सबके लिए ग्राफ बनाऊंगी फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे होंगे यानी कि अगर आप एक ग्राफ लेके आते हैं उसमें ना पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं वर्टिकल भी एंड होर्जोनटल भी तो ये हमारे पास एक्स है ये हमारे पास एक्स डैश है यानी कि नेगेटिव वैल्यू ये हमारे पास वाई है, है और ये वाई डैश है ठीक है इस चीज़ को आप समझ लेते हो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ चार बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं जो लास्ट पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आपको क्लियर हो जाते हैं अच्छा ये हमने ग्राफ बना लिया अब यहाँ पे ना ये जो सेंटर है जहाँ पे एक्स और वाई आपस में कट आउट होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसे हम बोलेंगे जीरो यानी कि इसको हम ओ नेम देते हैं और इसके ऊपर जो है वो जीरो होता है जीरो और नेक्स्ट स्टार्ट होता है वन पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव फोर पॉजिटिव फाइव ग्राफ तो वैसे ना बना बनाया होता है इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं होती लेकिन मैं आप लोगों के किसान के लिए सारा ड्रा करके बताऊंगी कि ये कहाँ पे आ रहा है और एक्स के दूसरी साइड पे यानी कि वर्टिकल अभी हमारा होडिजोनटल जा रहा है ना तो होडिजोनटल में नेगेटिव वैल्यू भी आएगी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और वाई है ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव वन टू थ्री फोर फाइव और नीचे की तरफ भी हमें लगे लिखना है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हमने डिटरमाइन करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है ना वो हमेशा हमारा एक्स वाला होता है सेकेंड होता है वो हमेशा हमारा वाई वाला होता है तो एक्स का मतलब है इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है पॉजिटिव भी आ जाती है सेम वाई में नेगेटिव भी आ जाती है और पॉजिटिव भी आ जाती है वो हम साइन से हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है अब जो फर्स्ट वैल्यू है माइनस फोर है तो माइनस से हमें पता चल रहा है कि ये किस साइड पे जाएगा देखिए अब कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव का साइन होता है तो इस साइड पे जाएगा एक्स जो है वो नेगेटिव किस साइड पे है यहाँ से यहाँ तक है तो हम इतना जो एरिया वो अपने माइंड में रख लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आ रहा है फोर माइनस फोर माइनस फोर को अभी हाईलाइट करना अभी आपने इसको प्रॉपर तरीके से मैंशन नहीं करना अभी अपने माइंड में इसको रख लेना है उसके बाद वाई वाई की वैल्यू क्या है थ्री यानी कि पॉजिटिव थ्री या पॉजिटिव से हमें पता चल रहा है हमने ऊपर की तरफ जाना है नेगेटिव से हमें पता चला कि हमने किस साइड पे जाना है इस साइड पे राइट right से लेफ्ट की तरफ और अब हमें y को देखा हमने तो थ्री है जो कि पॉजिटिव है तो हमें किस साइड पे जाना है डाउन से अपवर्ड की तरफ जाना है तो थ्री हमें यह नजर आ रहा है अब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है आपने वो जो है ना वो हाईलाइट करना है ठीक है मैं स्केल के साथ कर लेती हूँ और बेसिकली ये हमारा आ कहाँ रहा है सेकेंड क्वार्टर में या आपने माइनस फोर तक कर देना है ये जो ग्राफ होगा ना उसमें तो हमें बहुत आसानी होगी हम सिंपल इनको लाइंस वगैरह ड्रा होंगी और वो अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास जो पी पॉइंट है ये कहाँ आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे पी पॉइंट लाइज इन सेकेंड रोमन रोमन काउंटिंग में हम इसे लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट अब बाकी सारे भी इसी तरीके से कर लेते हैं ओके okay, इसका मैंने ग्राफ खुद ही से ड्रा कर लिया है तो अब हम इसको भी कर लेते हैं माइनस फाइव एंड माइनस टू पहले वाली वैल्यू हमें हमेशा पता है कि होती होती है है और और दूसरी होती है और इनके साइन से हम इनकी डायरेक्शन जो है ना वो देखते हैं तो एक्स है माइनस फाइव माइनस हमें पता चला कि हमने किस साइड पे जाना है हमने जाना है इस साइड पे ठीक है राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और नेगेटिव वैल्यूज आपको वैसे भी पता चल रही होंगी तो हमने क्या करना है सिंपल माइनस फाइव के ऊपर आके स्टॉप कर देना अभी हम इसको मैंशन नहीं करेंगे नेक्स्ट वाई जो है वो हमारा एरिया सेलेक्ट करता है कि वो कहाँ पे जाएगा माइनस टू है तो माइनस टू हम नीचे की तरफ जाएंगे लाइक ये माइनस वाली वैल्यूज है ना तो यहाँ पे हम आएंगे वन टू ये माइनस टू इसके सामने जो फाइव है और इसके सामने फाइव और माइनस टू आपस में जिस पॉइंट में आके इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं ना वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो रोज और एक सीट तो पहले हमने रोज को देखा उसके बाद सीट को सिलेक्ट कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया सेम इसी तरीके से हमने सबसे पहले रो को देखना है फाइव वाली रो में वो आ रही है नेगेटिव की और इस तरफ से नेगेटिव वाई में आके वो खत्म हो गया तो ये ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और किस साइड पे आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट होता है ये सेकेंड होता है ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्यू है सिंपल हम लिखेंगे क्यू

जीरो है ये वन टू तो ये हमने इसको हाईलाइट अभी थोड़ी देर के लिए कर लिया नेक्स्ट वाई के अकॉर्डिंग हम इसको मैंशन करेंगे कि ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कहा टू है तो हम पॉजिटिव टू है तो ऊपर की तरफ देखेंगे ये टू इसके सामने इसके सामने दोनों टूज हैं यानी कि टू टू दोनों के सामने हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हम लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है वो टू टू ये आ गया और ये कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में हम सारी स्टेटमेंट यहाँ पे वही लिख लेते हैं अब नेक्स्ट भी हम कर लेते हैं जो कि एस है अच्छा जी इसमें हमने देखना है टू और माइनस सिक्स को तो टू हमने एक्स की वैल्यू ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाली साइड पे देखेंगे टू इसको हाईलाइट कर लेंगे नेक्स्ट हमारे पास है माइनस सिक्स अब जो सिक्स है वाई यानी कि जो सेकंड वैल्यू ये रिप्रेजेंट करिए वाई को लेकिन इसके डायरेक्शन हमने देखनी है इसके साइन से तो नेगेटिव है तो हम किस साइड पे जाएंगे नीचे की तरफ देखेंगे और सिक्स को हमने मैंशन करना है अब सिक्स और टू के आगे माइनस सिक्स और टू के सामने वाला जो पॉइंट बन रहा है वो हमारा क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और वही हमने रिप्रेजेंट करना है सिंपल यहां लिखेंगे इन फोर क्वाड्रेंट